ए शर्मिला जल्दी से बता क्या? अम्मा खाक बताऊं क्या हुआ है? महबूब तो वहाँ चीखने लगा भूत भूत। मैं तो अपनी जान छुड़ा के भागी हूँ, भाई मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। इधर देख जरा, नालत है तेरी शक्ल पे नालत। बात सुन, अगर महबूब से शादी करने की ख्वाहिश रखती ना तो तुझे समंदर के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में अगेंस्ट चलना होगा, मुखालिफ सिमत में। तो कैसे शादी के बाद उसे दोनों हाथों से संभालेगी? क्यों अम्मा, वो कोई दूध पीता बच्चा है जो मैं उसे गोद में लेके घूमूंगी? बात सुन, शोहर को ना शादी के बाद बच्चे की तरह संभालना पड़ता है, डांटो भी तो पास ही रहता है नहीं तो दौड़ लगा देता है। अम्मा अब क्या होगा, तावीज़ तो मैं महबूब की तकिए के नीचे रख ही नहीं सकी। परेशानी वाली वैसे कोई बात है नहीं है। वो जो दुपट्टों पे अमल किया था ना, लाल लाल दुपट्टों पे, वो जो भी पहनेगा बस वो तेरे ही गुण गाएगा, देखना कैसे असर दिखाएंगे। तो है नहीं है नहीं है। अम्मा मगर मुझे नहीं लगता ऐसा। बस कर दे, तेरी भूल है। बंगाली बाबा औरत से सीखा है मैंने ये अमल। तेरी दादी भी तेरी अम्मा के गुण गाया करती थी, तेरी अम्मा बहुत ऊंची हस्ती है। वैसे अम्मा एक बात बताओ, रफाकत मामू का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, न जाने कहाँ दिख के खाते फिर रहे, खुद भी जलीलो ख्वार हो रहे और वो क्या नाम है पिन्नों को भी जलीलो ख्वार कर रहे होंगे यकीनन। अम्मा चांदनी भी मेरी दीवानी हो जाएगी। बात सुन, जो जो वो दुपट्टा पहनेगा ना वो सिर्फ तेरे गुण गाएगा, तेरी शक्ल नजर आएगी उसे हर जगह पे। है अम्मा तुम क्यों दुपट्टे पे मेरी तस्वीर लगा दोगी? बात सुन, राज की बातें राज की रहने दे, हर बात नहीं पूछता करते। और वैसे हर दफा जिस काम को भी भेजा है ना नामुरादी लौटी है, और बेकार की बातें न कर मेरे से। सो जा खुद भी और मुझे भी सोने दे, दिमाग न खा मेरा। चल अम्मा शादी पे मैं किस रंग का जोड़ा पहनूंगी? सिया रंग का। तुम्हें नहीं बताना ना तो तुम ना बताओ, मैं खुद ही सोच लूंगी। सोच ले, खुद ही से सोच ले। मैनू एक पल चैन ना आवे, मैनू एक पल चैन। मैं गोली मार के ना तेरे अगले दांत तोड़ दूंगी, चैन ना आवे। मुझे तो चैन लेने दे। चीप बातें करती है। वैसे चांदनी, शर्मिला भी कौन से तालाब की मछली है तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा देगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम। चुप कर जा वेल मछली की औलाद, चुप कर जा। अम्मा क्या है हर बात में बोलती हो, सर पे खड़े हो कि तू मेरी बोले चली जा रही। चुप कर जा। दिमाग खराब कर दिया। दिमाग होगा तेरा खराब। आराम से हट के बच्चे आराम से बस कर। क्या शोर मचा रखा था रात को? नानो आपको भी आवाजें आ रही थी मेरी? अरे रात को चौकीदारी करती हूँ मैं, क्या हुआ था? नानो रात को ना मेरे कमरे में भूत आ गए थे। हेलो, भूतों के घर में भूत आ गए हैं तो तेरे कमरे में ही क्यों? नानो वो कहते हैं ना खूबसूरत लोगों पर भूत फिदा हो जाते हैं। किस लोगों के कमरे में? खूबसूरत लोगों पर। खूबसूरत? मैं कुर्बान जाऊं तेरे खूबसूरत। अब तू तो शहजादा है ना, है अपनी उम्र देख और भूतों से डरना देख। लो आ गया राबेला। बस कर दे जमानी, कुछ तो ख्याल करिया कर। हुण ते मेरा पुत्र इस घर दा दिमाग बनने वाला है। ये लड्डू तुझे किसने खिलाया? क्यों? चांदनी ने सारे दे सामने ओ मेरे पुत्र नू ना प्रपोज ही कीता है। अरे पेंडू औरत, परपोजी नहीं होता, परपोज होता है, परपोज। और वो चांदनी ने मजाक किया होगा। बस कर दे जमानी, बस कर दे। हुण जदों कोई गल नहीं मिल रही ते कंड लगन लग पई है, इहो जियां गल्लां कर रही है। जा मैं तेनू माफ कीता, सारी तेरी जुतियां नू भी ते तेरी गालियां नू भी माफ कीता। अरे चल, ये ज्यादा शहंशाह अकबर बनने की जरूरत नहीं। जा तेनू माफ कीता, इतने जूते मारूंगी ना तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी मर्दूद। नहीं तो नानो मैं आपको बता रहा हूँ चांदनी सिर्फ मेरी है। हाँ सुन ले। अरे चांदनी तेरी है, चल फुटा खा इथों। चांदनी सिर्फ मेरे बशीरे दी दुल्हन बनेगी। कड्डा भाई चांदनी दे मां प्यो नू, मैं तरीक लैन आई हां। किसको कड्डे है? यहाँ कोई कड्डा नहीं है समझी। और बात सुन, इस घर में सारे फैसले मैं करती हूँ, और उसकी माँ भी मैं और उसका बाप भी मैं। अब बात कर। ये बलिया ना मारे कर तू। ओ अब क्या बोलने जा रही है? पंजाब को पका पका के मत बोल। मैनू दसो मैं कदों बरात लेकर आऊं? कद्दू बेशरम औरत। कान खोल कर सुन ले, चांदनी की शादी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी तेरे इस पेंडू से नहीं होने दूंगी, समझी? चांदनी किथे? जा, चांदनी उठे, जा जाके पूछ ले क्या डेट देती है तुझे शादी की है, पर वापसी पे हमें जरूर बताना कि कौन सी तारीख दी है। वो कमबख्त वैसे ही डेटे नहीं दे रही है। हुड़े आनी कोई मर्द ना मिल जाए राह विच, कोई अंधा ही होगा जो खुसरे को देखेगा। कमबख्त नानो ये सब क्या हो रहा है? अरे पता नहीं वो चांदनी अंदर बैठी क्या ड्रामे कर रही है, मैं जाकर देखूं। एक खुसरा ही काफी है माँ। नानो अरे नहीं बेटा तू नहीं, वो जो अंदर गई है उसकी बात कर रही है। देख लूं बाज नहीं आएगा ये। चांदनी, चांदनी पुत्र, चांदनी पुत्र, चांदनी पुत्र, आप अंदर कैसे आई? मैं तेनू मिलन वास्ते आई हां। जी कहिए क्या बात है? ऐ दस असी कदों बारात लेके आई? क्या बारात? किसकी बारात? ओ हाय बशीरे दी बारात, और किदी बारात? ये कब डिसाइड हुआ? ले चांदनी पुत्र तू आप ही तो क्या सी आई लव यू बशीरा। आंटी अब क्या मैं कुत्ते को आई लव यू बोलूंगी तो क्या वो भी मुझसे शादी करने आ जाएगा? हाँ है जबान संभाल कर गाल कर। अच्छा कुत्ते ते बशीरे च बहुत फर्क है। तो मैं क्या करूं? मैंने किसी के साथ शादी वादी नहीं करनी। देखती है बशीरा दिल दा बड़ा ही कमजोर है, किधरे मारी ना जावे। आंटी कोई किसी के लिए नहीं मरता। आज ते तू मेनू दस ही दे मेरे बशीरे च की कमी है? आंटी वो बहुत अच्छा है, बुरी तो मैं हूँ, सिगरेट पीती हूँ, नशा करती हूँ और भी बहुत कुछ। आप बताएं बर्दाश्त कर लेंगी? हाँ हाय मैं मर गई तेरा कख न रवे। हाय तू सिगरेट पीनी है? लो जी कल नू बशीरे ने तेरा ब्याह हो जाना है, मुंडा पैदा होवेगा, ओ भी बीमार ते तेनू हो जाना कैंसर। फिर ना जी ना मैनू तो ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। ना लो आंटी ये रिश्ता ना लो, अब यहाँ से चलती बनो, बहुत पका दिया। जा जा मैं नहीं करनी अपने बशीरे ते तेरे नाल शादी। बशीरे ते तेरे जैसियां 100 चांदियां कुर्बान ने मेरा शी जवान पहलवान पुत्र है। आंटी आप ना जाके अपने बेटे पर चांदियां निछावर करें, ठीक है? दफा दूर फिटे मुंह तेरा। शुक्र है जान छूटी, वरना मुंह के कैंसर से लेके पता नहीं दिल का दौरा भी करवा देती। कहां से आ गई? इतनी दफा कहा नालायकों को रेडियो ठीक करवा दो, मजाल ऐसे हडहराम लोग इस घर में बसते हैं। तौबा भाई तौबा, तौबा कारण शैया दा ते सानू पता ही कोई नहीं। तेरा मुंह क्यों लाल हुआ वा? मुंह क्यों नहीं लाल होना सी? तुहाडी ती सिगरेट पींदी है ते तू छपांदी रही है। आय हाय चांदनी सिगरेट पीती है, खाली के भरी हुई। कसम ले लो हमें खुद नहीं पता था कि चांदनी सिगरेट पीती है। हाय मैनू आप दसिया चांदनी ने नशा कर दिया हो ते मेरा दिमाग ते नहीं खराब? मैं एक नशेई नू अपने घर लै जावां? अरे चांदनी ने बता दिया तो भाई कर लो अपने बेटे की उससे शादी। क्यों असी क्यों कर लीए चांदनी नाल अपने बेटे की शादी? असी नहीं करना, सानू माफ करो। अरे बावली थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, अब एकदम अचानक क्या हुआ तुम्हें? मेरी आँखें खुल गईं ने। तेरा तो मुंह भी खुल गया है, हुआ क्या है? चांदनी नशा करती है, दसिया ते है कितनी बारी दसा। हाय हाय नशा करती है? आहो अब भैया हमें भी बिल्कुल नहीं पता। हाँ तो पता रखिया करो ना, आजकल दे जेड़े बच्चे ने ना माँ प्यो दी अखां विच धूल सुटदे पे ने। अरे अकल की पैदल औरत शादी नहीं करनी थी तो वैसे ही बता देती, खामखा बच्चे पे इल्जाम लगा रही है। आहो नहीं करना चाहते असी शादी, माजरत है साडे वल्लों। इलाज कराओ अपनी धी दा, मैं ते मेरा पुत्र इत्थों जा रहे हां, बस सानू माफ ही रखो। तो तुम अपने पिंड जा रही हो? क्यों पिंड वापस जा रहे हो? पीनो नहीं मिलनी, मैं पिंड वापस बिल्कुल नहीं जाना। तब तक ये अजाब इलाही हमारे सर पे रहेगा। की कह रही है? मतलब ये कि पीनो आ जाएगी पीनो। अरे मेरी तीनों छड़ो, आपनी दा ख्याल करो, नशा छुड़ाओ दा। तौबा वे तौबा, कारारियां दी गल्लां देखो ते बच्चे नशेई। अरे वाह 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 चांदनी क्या दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है, वाह 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 वाह। लो बताओ चांदनी ने कितना बड़ा ड्रामा किया है। अच्छा हुआ इस कमबख्त तो जान छूट गई। अरे इतना बोल के गई है नशा नशा, कहीं लड़की सचमुच ना नशा शुरू कर। अरे आ रहा हूं। अरे हाँ करा दो, मिल गया ना? हाँ वो किराया तो हमको मिल गया है, तुमको ये घर खाली करना पड़ेगा शाम तक। हाँ क्यों? ये घर हमने बेच दिया। अरे कैसे बेच दिया? हम कहाँ जाएंगे? और ये हमारा मसला नहीं है, तुम कहाँ जाएगा, हमने बोल दिया ना शाम तक घर खाली करो बस। तो एक माह का नोटिस तो बनता है ना? वो बड़ा कोई तुम नवाब का बच्चा लगा हुआ है जो हम तुमको एक महीने पहले नोटिस देगा। हाँ तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और ये हमारा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है, जहाँ जाना है जाओ, हमको शाम तक ये घर खाली चाहिए बस। तो किराया तो वापस आएगा ना फिर? और कुछ खुदा का खौफ करो माड़ा, और तुमको इस शहर में सर छुपाने का जगह दिया, तुम हमसे किराया भी वापस मांगते है। और मेरा बात सुन लो, हम शाम को आएगा, ये घर खाली चाहिए हमको बस। ये क्यों है? सुना नहीं क्या कह रहा था, शाम तक घर खाली कर दो। क्यों, मालिक कान तुझे क्या दे रहा है? अरे उसने घर बेच दिया, शाम तक की मोहलत दी है उसने। एक ही गल हुई, असी मजे कितने डावांगे? लगता है तीनों बहुत जलील होने जा रहे हैं हम। कराची दिया फुटपाता ते मैं तो नहीं रह सकती। ये इश्क कुछ महंगा पड़ गया। हाँ मैनू ताने देना बंद करो, मैनू सब समझ आ रही है, तुसी मेरे कंधे ते बंदूक रख के चला रहे हो। अरे इस वक्त तो गोली के पैसे तक नहीं है। रफाकत जी अब करेंगे क्या इस वक्त? रफाकत जी अब ऐसे रफाकत मोहब्बत करने वालों के ना नाम नहीं होते, उन्हें तो हीर रांझा कहते हैं। अरे तुसी तो बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हो जी। थोड़े कोलो रह रह के ना असी भी कुछ सीख ही गए। अरे वो तो तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी सीख ही गया हूँ। फाकत जी अब होगा क्या? तुम पैकिंग शुरू करो, बाकी अल्लाह मालिक। कराची तो बार मैं नहीं जावांगी। अच्छा चलो तुम सामान तो बांधो ना, मुझे पता है कि हमने कहाँ जाना है। पता है नानू। अल्लाह क्या हो गया ये? अम्मा मैं तुझसे कह जा रही थी मगर तूने मेरी एक ना सुनी। बात सुन, मेरे को इल्जाम दिए चली जा रही है, मैंने अपनी हिकमत तुझ पे कुर्बान कर दी और तू मुझको इल्जाम दिए चली जा रही है। अब हम जाएंगे कहाँ? अरे लौट के बुद्धू घर को आए, कहाँ जाएंगे? हैदराबाद जाएंगे वापस। और अब महबूब नहीं मिलेगा मुझे। ए दुआ कर रिक्शा मिल जाए। महबूब नहीं मिलेगा। अम्मा मैं महबूब की बात कर रही हूँ, तुम रिक्शे के ताने दिए जा रही हो मुझे। बात सुन, मेरे पास रुपया नहीं है, अब वापस कैसे जाएंगे? मेरे पास शायद 3000 है, हैदराबाद तो पहुंच ही जाएंगे। वैसे अम्मा इन सबको कैसे पता चला तावीजों का? हाय हाय अरे शर्मिला हमदानी, मेरे को काले कुत्ते ने काटा था कि तुझे तावीज दे दिए रखने को। अरे अपना भी खाना खराब किया और घर से भी निकाला मिल लिया। अम्मा खैर जो हमारा नसीब। ए भैया हम तो रफाकत भैया के चक्रों में आए थे, वो अपने चक्रों में पड़ गए। अम्मा महबूब अब कभी मेरा नहीं होगा, मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी चांदनी से। बात सुन, ये महबूब वहबूब अब छोड़ दे, जमानी फुप्पो ने ना तुझे रात भी नहीं यहाँ रुकने देना। अम्मा ये चूड़ियां मुझे महबूब ने दिलाई थी, इन्हें मैं संभाल के अपने ट्रंक में रख दूंगी। सारी किए कराए पे पानी फिर गया, मिट्टी में दबा दे। अब ये सारी चीजें मैं बताए दे रही हूँ, समझ आई? ये जमानी पुप्पो एक रात में रुकने देने की, यहाँ से निकलने की कर, मैं बताए दे रही हूँ। ऐसे लोग हैं हाथ पैर बांध जोड़ के डाल देंगे कहीं। जमानी पुप्पो अब हम हैं नहीं है, तो गलती हो गई हो हमसे तो माफ कर दीजिएगा। अरे जाओ, हो नहीं हो अल्लाह कर दिया माफ। शुक्र है कि किसी की जान लिए बगैर तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। खैर जा रहे हैं अब हम। तो जाओ, खड़े काहे को जाओ। नहीं अगर दिल नहीं जा रही आपका, मुझे लग रहा है कि अंदर से दिल आपका परेशान हो रहा है, मैं भेजते हुए रुक जाते हैं हम। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे दिल में कब से घुस गई तू, जो हक रही है। चलो चलो जाओ, रोक ले, क्या रोक ले, माफ करो, चलो निकलो। मैं चांदनी की फ्रेंड हूँ, ये मेरी बहन फिरदौस और वो मेरी अम्मा यास्मीन हैं। हमारे कपड़े दरअसल सूख रहे थे रात को आपके घर, और आपकी खुशबू हमें खींच लाई। आप हैं कौन? मैं तो 2 दिन से नहाई भी नहीं। आए खुशबू, इसमें से खुशबू, ये तो महीनों नहाती नहीं है, खुशबू कहाँ से खींच लाए? बेटा आप कहाँ जा रही हो? हमारे मसाले तो इतने मजेदार होते हैं, इतने मजेदार होते हैं कि एक दफा जो खा लेना वो हमारा घर ही नहीं छोड़ता। पर आप लोग हैं कौन? हम आपके चाहने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, और हम ना खानदानी देग बनाने वाले हैं। हमारा बच्चा तो पैदाइशी देग बनाना जानता है। हाँ हम लोग तो हैदराबाद जा रहे हैं वापस। नहीं 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 नहीं, आप कैसे जा सकती हैं? ये जो शर्मिला है ना बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, मैं तो इसे बेटी की तरह समझती हूँ। बेल का दुपट्टा बहुत प्यारा। अब तीर कहीं तो चलेगा। चलो कौन हो भाई, कौन लोग आपस में क्या प्लान कर रहे हो, कौन कहाँ जा रहा है? और तू तो जा, तू काहे को खड़ी है यार, चल तेरी बस निकल जाएगी हैदराबाद की, निकल। ओ भाई ओ लाल खानदान, जरा बच के रहना, ये लोग जादूगरनी आए दोनों। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप ये? अच्छा ये तो हमारे घर जा रही है, चलो भाई चलो 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 जो हमारे घर चलो। मैं बता रही हूँ दिल चाह रही है, रोकने का जमानी बुप्पा आपका, किस कमबख्त का दिल चाह रही है? नहीं नहीं चलो, रुकना भी नहीं है, कमबख्त हो निकलो। आ गई मुसीबत, नहीं तो तुमने इतनी प्यारी लड़की घर में रखी भी और बताया भी नहीं, इतनी नेक सिफ्ट। अब वो और उसकी अम्मी ना मेरे घर में रहेंगे। अब मुझे क्या पता ये लाल खानदान कहाँ से आ गया, कौन लोग हैं भाई ये? तेरी दो अजीबो गरीब लोगों को दो। नेक सिफ्ट लड़की कौन है दादू? नेक सिफ्ट, अरे हे नहीं है, नहीं है वो, नेक सिफ्ट है वो, नहाती है नहीं कमबख्त। वो कह रही है आपकी खुशबू ले आई। वो चलो रक्षा आ गया। असी जावांगे किथे? जहां रक्षे वाला ले गया, वैसे तो जमानी पुपो की तरफ ही जाएंगे। उन्होंने घर स्नान नहीं देता थे। फेर की तो फेर ही देखेंगे। ओहो मालिक मकान चाबी तो दे दो। अरे छोड़ो, बस ताला लगाकर चले जाएंगे, खुद ही तोड़ता रहेगा वो। हाँ रफाकत जी बहुत डर लग रहा है। मीनू डरने की तो बहुत जरूरत है, पता नहीं अब आगे कहाँ तक हाल जाएं। हाँ चलो पे? नहीं पता। कोई हाल नहीं, अब ये नई मुसीबत गले पड़ गई है। पप्पो ये आप मुझे सुना रही हैं? तो मैं नहीं कह रही हूँ, खुशनूद आ रहा उसकी बेटी की बात कर रही हूँ। मालूम नहीं क्या क्या करती फिर रही है। नहीं तो अरे मेहरून निशा, अब तो ना ये ऊपर से तावीज फेंकेंगी। हाँ ये सारी क्या बातें हो रही है दादू, आप ही कुछ बता दे, पप्पो तो मुझे हरगिज नहीं बताएंगी। चांदनी अपनी हरकतों की वजह से ना तुम मुझे पसंद नहीं हो। अम्मा आप ही इसको राम कहानी सुनाते रहे, मैं जरा देख के आऊं सलीम मियां को पता नहीं कहाँ चले गए। दादू ये खुशनुदारा और शर्मिला कहाँ जा रहे थे और जैनब के साथ क्यों जा रहे थे? अरे मुझे क्या पता भाई। अरे भाई मैंने तो ये सुन के कहा चलो निकलो यहाँ से, अभी वो निकल ही रही थी कि जैनब अपने खानदान के साथ आ गई। बस फिर ये दोनों माँ बेटियाँ जो है ना डाइने, उन लोगों को लेके और अपने घर चली गई। दादो एक बात समझ नहीं आई, ये जैनब तो आज तक कभी जिंदगी में शर्मिला के साथ नहीं मिली, आज उनको अपने घर कैसे ले गई? अरे दोनों जादूगरनियां हैं, कुछ पढ़ पढ़ा के फूंक लिया होगा। तो ये जादूगरनी का मंत्र था जो महबूब उसके आगे पीछे घूम रहा था। अरे चलो अच्छा हुआ दफा हो गई। अब मैं तुम्हारी और महबूब की शादी बहुत धूमधाम से करूँ। तो बस अब कोई मुश्किल ना आए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ मैं करूँगी, तुम्हारे शादी की तारीख वो भी मैं ही तय करूँगी। बस अब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तू बिल्कुल बेफिक्र रहे, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तेरे अम्मा अब्बा पे छोड़ आना, तो तुम दोनों को बिठाए बिठाए बुढ़ा कर देंगे। दादो क्या हुआ दादो? अरे पीछे हटो, इतना तेल सर में डाला है, सर तो धो लिया होता। वो कल धोया था मगर वो कड़वा तेल लगाया था ना जूं की वजह से, और फिर आज दोबारा पानी नहीं आ रहा था दादो। इन जादूगरनियों ने तो इस घर का पानी भी खुश्क कर दिया। चल ठीक है, जब पानी आ जाए तो सर धो लीजो। अच्छा सलीम का ख्याल आ गया मुझे, आए जल्दी से इनके हाथ पीले कर दूं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो, मेरी जान छूटे इस मुसीबत से। आए अल्लाह। चांदनी, अरे बस कर दे मेरी माँ। तुझे पता है शर्मिला और खुशनूद घर से दफा हो गए। तेरी और महबूब की शादी की डेट फिक्स करें। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, आप परेशान क्यों होती हैं? जैसे चांदनी सिर्फ चांद की होती है ना, ऐसे ये चांदनी सिर्फ महबूब की है, और महबूब भी चांदनी के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। और किसी का हो गया ना तो फिर हाथ मलती रह जाना। और वो मनु ज्यादा दूर नहीं गई है, अरे हमारे मोहल्ले में ही आ गई है पड़ोसन बनकर। हाँ, पता नहीं अब खुशनूद क्या क्या हरबे इस्तेमाल करेगी। अरे माँ, उन्हें जो हरबे इस्तेमाल करने हैं कर ले, मोहब्बत किसी हरबे के ताबे नहीं है। और चांदनी, चांदनी तो हद से गुजर जाने वाली मोहब्बत का नाम है माँ। चांदनी, जिंदगी यूं नहीं चलती जैसे तू चलाना चाहती है। पता नहीं क्यों डटी हुई कि महबूब से शादी करूंगी। अरे अम्मा, ये दिल के मामले, और दिल के मामले ना हर चीज से गुजर जाते हैं। आपने देखा नहीं कैसे वो शर्मिला हमारे बीच में कांटा बन के आई थी, अब कैसे साइड होके बैठी। अगर वो मेहर निसा मानेगी तब की बात है ना, वो तो तेरी शादी के खिलाफ है। जब वो मानेगी तो तेरी शादी होगी। अरे अम्मा, जब अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं ना तो सारी बातें यूं मिनटों में सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। आप देख लीजिएगा, इस दफा ना मेरी और महबूब की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब महबूब सबके सामने खुद इनकार कर देगा तो फिर क्या करेगी तू? अम्मा, महबूब कभी भी इनकार नहीं करेगा। वो जानता है चांदनी से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। बड़ा अंधा इत्मीनान है इस मोहब्बत पर। ऐसा ना इस मोहब्बत के पीछे तू दरिया में गोते खा रही हो। नहीं ना अम्मा, वो पहले तो उसे शर्मिला ने वरगला दिया था, अब आप देखिएगा कैसे महबूब मेरे पीछे दुम दबा के आता है। औरत की इस बेवकूफ़ी की वजह से ना जब मर्द हर बार उसे धोखा देता है ना तो फिर औरत नहीं संभल सकती। क्या मतलब अम्मा? पता नहीं मैं क्या जवानी की बातें लेकर बैठ गई। अच्छा दफा कर, सुन तू ना महबूब पर कड़ी नजर रख। अरे वो मनूस हमारे मोहल्ले में ही है, बिल्कुल पड़ोस में। ऐसा ना छत पे कोई नई कहानियां शुरू हो जाएं। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, मुझे ना महबूब की हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी। एक मयान में दो तलवारें हरगिज नहीं रहेंगी। देख चांदनी, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। अगर शर्मिला ने दोबारा उसको फांस लिया ना तो फिर तेरे हाथ से चला जाएगा महबूब, और बाद में ना तू महबूब की शादी की बिरयानी खा रही होगी। नहीं नहीं अम्मा, हाँ आप ठीक कह रही हैं। अब ना मुझे होशियार रहना होगा। जा रही हूँ मैं सोचना इस पे। इतना परेशान करके चली गई, खुश थी मैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का। नहीं नहीं, महबूब है कहाँ? अम्मी सोचो, प्रॉपर्टी का काम बुरा नहीं है। अरे कम से कम अपनी दुकान तो होगी। अब तो दुकान डालेगा, नौकरी क्यों नहीं कर लेता? दुकान में क्या बचता है, लोग क्या कहेंगे? एक तो आपको लोगों की परवाह रहती है। अम्मी जमाना बदल गया है, आजकल पैसे वाले को सलाम होती है, और लोगों की बातों में आएंगे तो हमारे मुस्तबिल के आगे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो अकेला करेगा ये सारा काम? नहीं, अब्बा को मना लिया मैंने, और वो भी साथ देंगे। वो तेरा क्या खाक साथ देंगे? तेरी दुकान के अंदर उन्होंने अपने कबूतरों का कारोबार शुरू कर लेना है। अरे अम्मी कुछ तो करेंगे, वैसे भी घर पे फारिग ही बैठे रहते हैं। बेगैरत, बाप को फारिग होना कह रहा है? मेरा मतलब है काम करेंगे तो अच्छा है ना। हाँ ये तो है। ओहो, माँ बेटे में क्या चेमेगोइयां हो रही हैं? वो अबू, मैं बता रहा था अम्मी को प्रॉपर्टी के काम के बारे में। बरखुरदार, मैंने बहुत सोचा है प्रॉपर्टी के काम के बारे में, फिर रुस्तम से मशवरा किया कि ये काम करूं कि हरगिज नहीं। जवाब मिला हरगिज नहीं, तो हमारे इनकार को बिला मुबालगा इनकार समझा जाए। नवाबों को ये जेब नहीं देता कि वो दूसरों को मकान किराए पे दिलाते फिरे। तो बस ठीक है, फिर जो आपका मकान है ना नागन चुरंगी वाला, वो बेच डाले। देखिए बच्चों के सामने ये बातें आपको जेब नहीं देती। अरे कि हमारा बेटा हमारा वारिस है, इसे मालूम तो होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पे इसकी जायदाद है। अम्मी, हमारा एक और मकान भी है। अरे पता नहीं तुम्हारी माँ क्या बातें कर रही है, वो मकान तो हमारी पहली बीवी के नाम है। क्या? तो मैं दूसरी बीवी हूँ? अरे भाई, 15 साल की उम्र में 14 साल कजन से निकाह हो गया था, बाद में वो इंतकाल कर गयी, और जब वो इंतकाल कर गयी तो ये मकान लफड़े में पड़ गया। अब हम जब भी हम मांगते हैं तो कोई नई कहानी सुनने को मिलती है। वाह सलीम मियां, तुमने तो नई कहानी बना ली। अब कब तक हम दिल में छुपाए रखते, भाई दिल तो बच्चा है ना, हम उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। मतलब ये कि नागन चुरंगी वाले मकान का सिर्फ नाम था। अबू प्लीज, ये प्रॉपर्टी वाला काम बुरा नहीं है। बरखुरदार, काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हम रुस्तम और फिरोज का वक्त किसी और से बांट नहीं सकते। देखा देखा आपने, अपने बेटे से ज्यादा उनकी फिक्र रुस्तम और फिरोज की। रहने दे, मैं तो समझती थी कि नागन चुरंगी में वाकई एक मकान है। तुम और तुम्हारा बाप, तुम दोनों की मोहब्बतें मेरी समझ में नहीं आती। वैसे अम्मी, मैं एक बात सोच रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम रहने देते हैं। मैं अकेला दुकान पर जाके क्या करूँगा? चलो महबूब मियाँ, चांदनी की खबर लेते हैं, पाँव जमीन पर आए कि नहीं। क्या बात है अम्मा, आज घर में बड़ी सुकून वाली खामोशी है। अरे तो यहाँ कौन से बैंड बाजे बजते रहते? अम्मा मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो मतलब है ना, मैं बखूबी जानती हूँ। एक बात तो बताओ, क्या लड़की को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखोगे या उसकी शादी भी करोगे? माँ, वो अच्छा रिश्ता आएगा तो कर देंगे। ओहो, अच्छा रिश्ता, तो अच्छा रिश्ता आएगा है। अरे अकल के अंधे, घर में रिश्ता मौजूद है और तुम पूरे शहर में ढंडोरा पीटते फिर रहे हो। अम्मा, महबूब ने असल में नौकरी भी छोड़ दी, सलीम मियाँ की तरह मुफ्त की तोड़ने को तैयार बैठे हैं। अब हमारी बेटी शादी के बाद बिठा के तो नहीं खिला सकती ना अम्मा। अरे वाह वाह तौफीक हैदर, वाह! अरे रिश्ता ना देने की अच्छी लकीर निकाली तुमने। पूरा कराची शहर घुमा के कहते हो के रास्ता नहीं पता। अम्मा, हमने तो ना कोई लकीर निकाली ना कराची घुमाया, जो हक बात थी वो कह डाली अम्मा। अरे कहीं बाहर लड़की की शादी कर ली और लड़का बच्चडल निकला, फिर चांदनी की किस्मत अम्मा। अरे हट, कोई किस्मत विस्मत नहीं। चांदनी की शादी होगी तो सिर्फ महबूब के साथ, बस। अम्मा, शादी के लिए वो काम तो करके दिखाए। अरे हमारे दौर में ना लड़के की शराफत देख के शादी कर देते थे, आज के दौर में नौकरी से लेके जूते तक देखते हैं, सारी चीजें चेक करते, फिर भी शादी नहीं होती। चाहे लड़के का माथा रगड़ रगड़ के चेहरे के बजाय पूरे चेहरे पे मेहराब क्यों ना बन जाए। अम्मा, चांदनी और महबूब का जोड़ बन नहीं पाएगा अम्मा, तो असल में चांदनी का मिजाज तीखा है। अच्छा बस कर, बकवास ना कर। अच्छा, अरे उसकी जो सास होगी ना, वो तेरी बहन और मेरी बेटी है, बाहर शादी करेगा, जहर मांगेंगे तो क्या कहेगा? किस्तों में दूंगा। अम्मा मगर किस्मत आरा शायद ना माने। अच्छा, तो अब तू उस कलमुही की जबान बोलने लगा है? ए तौफीक हैदर, शर्म कर। अरे शर्म कर, इतना भी जन्मुरीद नहीं होना चाहिए मर्द को। अम्मा, वक्त आने पर मर्द जन्मुरीद ही हो जाता है, मैं तो सोचा वक्त से पहले बन जाऊं। अरे अरे उस कलमुही ने तेरे मुंह में भी जबान डाल दी। अब अम्मा, मेरे ख्याल से हम चलते हैं भाई, तब भूख लगी आई। हाँ, जाओ 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 जाओ। खुशनूद आरा और ये दूसरी जो है ना शर्मीला बेशर्मी, इनको खबर नहीं होनी चाहिए कानों कान। का महबूब और चांदनी की शादी चुपचाप से हो जाए। पलट पलट जालिम। अरे ये तो अपनी मुर्गी थी जो पड़ोसी ने हलाल कर ली। देख देख ऐसे क्या देख रहे हो? बस दिल चाह रहा है देखता जाऊं। ऐसा लगता है कोई आसमान से परी जमीन पर उतर आई हो। महबूब मियाँ, हम तुम्हारे घर से रुसवा करके निकाले गए थे। अरे तो क्या हुआ, आप हमारे घर से निकाली गईं और हमारे दिल में आ बसी। क्या ये सच है? सच को हकीकत समझिए। चांदनी का क्या होगा? हाय हाय, सारा मजा किरकिरा कर दिया। चांदनी को बीच में ले आए, हमें क्या खबर उसकी। हमारा दिल तो आप पर फिदा हो रहा है। हमें यकीन नहीं हो रहा आपके कलमात पर जो आप हमें बोल रहे हैं। अजी यकीन कर लीजिए, यकीन की उम्र बहुत थोड़ी होती है, जैसे चाइना का मोबाइल। इस घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। और हाँ, अब रोज आपको अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाऊंगी। क्यों, बावर्ची का काम मिल गया? बावर्ची का काम नहीं मिल गया, बावर्चियों के घर में आ गए हम। इस घर में इंसानों से ज्यादा मसालों और खानों की बातें होती हैं। ख्याल रखना कहीं ज्यादा मोटी ना हो जाओ। मोटे लोग हमें पसंद नहीं है, और मैंने सुना है कि मोटे लोग जल्दी मर भी जाते हैं। आप मर गई तो हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महबूब, महबूब, मैं तो चली, तुम संभालो अपने मोहब्बत नामे को। महबूब, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें दादो बुला रही हैं, नीचे चलो। तुम जाओ, आ जाऊंगा मैं। क्यों, मेरे साथ चलते हुए दिल दुखता है या किरची किरची हो जाता है? तुम हर बात का पोस्टमार्टम क्यों करती हो? जा रही हूँ मैं, जल्दी आ जाना। जाओ। महबूब, आज या कल में शादी की तारीख पक्की हो जाएगी। शादी है, कोई कच्ची दीवार नहीं है जो पक्की हो जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी। तो ये कहो ना, मुझसे नहीं करनी शादी। तुमसे शादी नहीं करनी मुझे, जाओ। इसे शर्मिला भी जब तक घर पे थी प्यारी नहीं लगी, अब हमसाई बनी तो प्यारी लगी। जैसे मर्दों को दूसरों की बीवियां प्यारी लगती हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें उन दोनों माँ बेटियों को अपने घर में जगह देने की? चांदनी, वो फरिश्ता सिर्फ माँ बेटियाँ हैं। ये कैसे हुआ? देखो, जब मैं घर पे तुम्हारे कपड़े छोड़ के गई थी ना, तब तक सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही हमने ये दुपट्टे ओढ़े ऐसा लगा शर्मिला हमारे खून में दौड़ रही है। और अम्मा तो मसाले साफ करते करते कहने लगी ये शर्मिला कौन है। और फिरदौस आपा ने तो हम दोनों के हाथ पकड़े और खींच के हम दोनों को यहाँ ले आए। लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, ना जान ना पहचान और जबरदस्ती घर में मेहमान बना लिया। अरे जान पहचान भी हो जाएगी, और उसकी अम्मा और मेरी अम्मा में तो खूब गपशप लग गई है। बात बताओ ज़ैनब, उन दोनों माँ बेटियों ने ना हमारे घर पर जादू कर दिया था, जादू। नहीं चांदनी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे शर्मिला तो जायनमाज से उठने का नाम तक नहीं लेती है। वाह भाई, यहाँ पर तो एक वक्त भी नमाज का दुपट्टा तक नहीं उड़ा, और वहाँ पे जायनमाज से ही नहीं उठ रही। बड़ी तेज है, बेवकूफ बनाना तो कोई इनसे सीखे। देखो चांदनी, बहुत हो गया। मेरी अम्मा ने उनको अपने खानदान में शामिल कर लिया, और अब मैं उनके खिलाफ एक लफ्जी बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, उन दोनों ने ना तुम्हारी आंखों में धोखे की मिर्चें डाल दी हैं। तुम लोग जल्दी अपनी आंखें साफ कर लो, वरना इतना पछताओगे और पछता भी नहीं पाओगे। ज़ैनब, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो मैंने दुबई की ट्रिप की कहानियां सुननी है तुमसे। कोई जरूरत नहीं है, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे दोस्ती रखी जाए। क्या हो गया ज़ैनब, क्या बोले जा रही हो तुम? जब शर्मिला के लिए कुछ बोलती हो ना तो मेरा खून खौलता है। ज़ैनब, मुझे लगता है शर्मिला ने ना तुम पे भी जादू कर दिया है। देखो चांदनी, तुम्हारी जिंदगी में अदाकारी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में एहसास भी है और जज्बात भी, और मैं शर्मिला की पामाली हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज़ैनब सुनो तो सही मेरी बात। बस चांदनी, आज से ज़ैनब तेरे लिए मर गई। खुशबू लगा के। ज़ैनब, अल्लाह, इतना जादू। भाड़ में जाओ तुम भी ज़ैनब, देखना एक दिन खुद आओगी रोते हुए। लेकिन अगर यही जादू महबूब पर काम कर गया तो अल्लाह